Hello students, welcome to another chapter that is called the plant kingdom. और इस plant kingdom में हम लोग क्या बात करेंगे, सिर्फ plants के बारे में discussion करेंगे. In the previous chapter we have already discussed that in the biological classification that according to R.H. Whittaker the whole organism is divided into five kingdoms such as Monera, प्रोटिस्टा, फिर उसके बाद फंगस, प्लांट एंड एनिमल. तो यहाँ पर हम लोग प्लांट किंगडम की बात करने जा रहे हैं, यानी वी विल लुक अपॉन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स. क्योंकि अपने आसपास के सराउंडिंग्स में जब देखना शुरू करेंगे तो ऐसा नहीं है कि जो हम लोग के चारों तरफ प्लांट्स दिख रहा है सिर्फ वैसा ही प्लांट्स होता है. ठीक है, इसका मतलब कि हम लोग अपने आसपास के जो प्लांट्स, अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि जो हम लोग प्लांट्स देख रहे हैं अपने आसपास, लगता है पढ़ते हैं क्या कि फोटोसिंथेसिस करता है और बहुत इंपॉर्टेंट है नेचर के लिए. बट आपको जानकर हैरानी होगी कि जो कुछ हमारे यूनिसेलुलर प्लांट्स हैं जैसे कि एल्गी, वो 50% कंट्रीब्यूशन करते हैं फोटोसिंथेसिस में, ऑक्सीजन रिलीज में. ठीक है, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है. इसमें आपको अकॉर्डिंग टू नीट, इससे आपको या जो कमिंग चैप्टर्स है दैट इज एनिमल किंगडम, इन दोनों चैप्टर से मिलाकर कुल लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहती है. चलिए तो हम लोग इस चैप्टर को देखते हैं. दैट चैप्टर इज नोन एज प्लांट किंगडम. तो प्लांट किंगडम में सबसे पहला जो हम लोग बात करेंगे कि प्लांट के स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं. जो सिर्फ अगर हम लोग प्लांट की स्टडी कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, तो हम लोग बोलते हैं स्टडी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड फाइटोलॉजी. स्टडी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड फाइटोलॉजी. ठीक है, फाइटोस मतलब हम लोग जानते ही हैं, फाइटोस का मतलब होता है प्लांट और लॉगी मतलब होता है स्टडी करना. तो मतलब कि प्लांट को सिर्फ स्टडी करेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइटोलॉजी बोलते हैं. चलिए तो हम लोग, अच्छा ये हम लोग प्रीवियस चैप्टर में ये भी डिस्कशन किया था कि तमाम डिफरेंट सारे साइंटिस्ट आए. जैसे हम लोग स्टार्ट किए थे क्या चीज, हम लोग स्टार्ट किए थे एरिस्टोटल से, उसके बाद फिर थियोफ्रेटस, फिर कैरोलस लिनियस जो कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिए, उसके बाद आए हैकल थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन दिए, फिर कोपलैंड जो फोर्थ किंगडम क्लासिफिकेशन दिए, और फाइनली आए कौन सा, आरएच विटेकर जो जिन्होंने फिफ्थ किंगडम क्लासिफिकेशन दिया. तो वहां पर ये भी डिस्कशन किया था कि जैसे आपका कैरोलस लिनियस हो गए, एरिस्टोटल हो गए, ये सब क्या थे, ये सब के सब क्या थे, ये सब जो देने वाले थे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म या अपने आसपास के सराउंडिंग्स में जो ऑर्गेनिज्म देखे उसको मॉर्फोलॉजिकल स्टडी किए, उसको वेजिटेटिव स्टडी किए, सेक्सुअल करेक्टर्स को देखे, तभी उन सब में डिवीजन दिए. तो वैसे सिस्टम को हम लोग क्या बोले, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम बोले. इसके बाद कौन से साइंटिस्ट आए थे, उसके बाद आए थे एक बैंथम एंड हुकर साइंटिस्ट जिन्होंने नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया. नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्या चीज कंसिडर्ड किए, तो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के अलावा इंटरनल फीचर्स जैसे कि एनाटोमी हो गया, एम्ब्रायोलॉजी हो गया, फाइटोकेमिस्ट्री हो गया, इन सभी को ध्यान में रखकर डिस्ट्रीब्यूट किए. बट बैंथम एंड हुकर भी सक्सेसफुली डिस्क्राइब नहीं कर पाए. क्यों नहीं कर पाए, हम लोग वहां पर यह भी देखे थे कि कौन से ऑर्गेनिज्म कैसे डेवलप हुआ है, किसकी ओरिजिन फर्स्ट हुई और उसके बाद किसका ओरिजिन हुआ है, ये उन्होंने डिस्क्राइब नहीं किया था. तब जाकर फाइनली आर एच विटेकर फिफ्थ किंगडम क्लासिफिकेशन दिए और उसमें ये बताए कि माने सभी एक्सटर्नल फीचर्स, इंटरनल फीचर्स सभी को हम लोग मानते हैं, फाइटोकेमिस्ट्री वगैरह, एम्ब्रायोलॉजी वगैरह सब कुछ को मानते हैं, लेकिन कौन पहले आया है उसकी स्टडी के आधार पर, यानी जो आर एच विटेकर है वो फाइलोजेनेटिक एनालिसिस भी इंक्लूड कर दिए.
फाइलोजेनेटिक एनालिसिस में क्या बोले थे कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप हम लोग बात करते हैं, कौन और कौन स्पेसिस पहले ओरिजिन हुआ, कौन उसके बाद में ओरिजिन हुआ, किस तरीके से मॉडिफिकेशन होते हुए एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की तरफ डेवलपमेंट या ओरिजिन हुई, यानी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप सब में देखते हुए उन्होंने फिफ्थ किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। ठीक है, तो इन द लास्ट चैप्टर वी हैव आल्सो डिस्कस अबाउट द टैक्सोनॉमी, और टैक्सोनॉमी में हम लोग ये बात बोले थे क्या चीज कि देयर आर क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर की हम लोग बात किए थे, यानी डिस्ट्रीब्यूशन और क्लासिफिकेशन की बात किए थे, तो वो एक बेसिस एक पैरामीटर्स के ऊपर होता है, उसी को हम लोग टैक्सोनॉमी बोले थे। तो अब हर एक कैरेक्टर्स को स्टडी करके एक याद करके रखना बहुत ही मुश्किल होता है। तो क्या हुआ कि अब इसी चीज को स्टडी करने के लिए हम लोग क्या देखे कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी वी नो राइट हेयर दैट दे हेल्प्स इन द स्टडी ऑफ टैक्सोनॉमी। और उसमें हम लोग क्या बात करते हैं, एक आता है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। अब यहाँ पर जैसा कि बात क्या कर रहे हैं, न्यूमेरिकल, न्यूमेरिक का मतलब क्या हुआ, नंबर प्रोवाइड करना। तो जो भी हम लोग किसी प्लांट को, लेट सपोज एग्जांपल को हम लोग एक प्लांट लिए और इसमें हम लोग क्या देखे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टर देखे, पहला लीफ देख लिए, फिर दूसरा फ्लावर देख लिए, फिर इसका अगर फ्रूट रहा तो फ्रूट देख लिए, फिर इसका सेल टाइप देख लिए, यानी तमाम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स देखे और सभी को हम लोग क्या कर दिए, नंबर प्रोवाइड कर दिए, नंबर सिस्टम दे दिए। ठीक है, यानी हर एक कैरेक्टर्स को एक नंबर सिस्टम देकर, क्योंकि एक ही अगर ऑर्गेनिज्म को स्टडी करेंगे तो हर एक पैरामीटर्स को एक सीक्वेंस में याद करके रखना बड़ा मुश्किल है, तो सभी को एक नंबर दे दिए और उस नंबर को हम लोग फीड करके कंप्यूटर में डाल दिए। तो ऐसे ही जितने भी कैरेक्टर्स को नंबर प्रोवाइड किया गया तो वैसे टैक्सोनॉमी को हम लोग क्या बोल दिए, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी बोल दिए। और न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी अब ये एक डेटा फीड करके डाला हुआ है, कंप्यूटर में डाला हुआ है, तो वहां से जो भी करेक्टर, जैसे लेट सपोज आपको एक नया कोई ऑर्गेनिज्म या प्लांट जैसा स्ट्रक्चर दिया दिखा, उसको आप एनालाइज करना शुरू करेंगे तो आपके डेटाबेस में ऑलरेडी डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स पड़ा हुआ है, नंबर पड़ा हुआ है, वो आपको मैच करके बतलाएगा कि दिस जो आपने फाइंड किया वो दिस बिलोंग्स टू प्लांट्स और नॉट। तो इसीलिए न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी का हेल्प करते हैं। ठीक उसी तरीके से जो दूसरे टाइप का टैक्सोनॉमी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं साइटोटैक्सोनॉमी बोलते हैं, साइटोटैक्सोनॉमी। अब साइटो मतलब क्या होता है, साइटो मतलब होता है सेल, यानी अब सेल के स्ट्रक्चर या साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन यानी सेल के इंफॉर्मेशन को हम लोग बात करेंगे। क्या हो गया, दिस साइटोटैक्सोनॉमी डील्स ऑन द बेसिस ऑफ साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। अब साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन में क्या रहेगा, यानी सेल का इंफॉर्मेशन, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल क्रोमोजोम नंबर की बात कर लिए, उसका सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, उसका बिहेवियर यानी काम कैसा है, इन सभी को हम लोग बेसिस मानते हैं। तो वैसे टाइप के टैक्सोनॉमी को हम लोग क्या बोल दिए, साइटोटैक्सोनॉमी बोल दिए। अब इससे भी एडवांस वर्जन यानी एडवांस सिस्टम कौन सा आ गया टैक्सोनॉमी में, तो सच टाइप ऑफ टैक्सोनॉमी इज कॉल्ड द कीमोटैक्सोनॉमी। अब देखिए यहां पर क्या आ गया, कीमो टर्म हम लोग इस्तेमाल करते हैं केमिकल्स के लिए। तो यहां पर हम लोग क्या बात करते हैं, यहां पर बात करते हैं कि कोई एक सेल जो है वो किस किस टाइप के केमिकल से मिलकर बना हुआ है, मतलब कि दिस साइटो कीमोटैक्सोनॉमी डील्स विथ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ
ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, वो उसका सेल किस टाइप से बना हुआ है, प्रोटीन है कि फैट है, लिपिड्स है, कार्बोहाइड्रेट है, अमीनो एसिड है, किस टाइप के उसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है कि डीएनए है, उस किस किस केमिकल से मिलकर बना हुआ है। तो हम लोग केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में क्या बोल दिए, जेनेटिक मटेरियल हो गया, जेनेटिक मटेरियल आइदर डीएनए और आरएनए, आरएनए और डीएनए। फिर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हो गया, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट, फिर अमीनो एसिड एटसेट्रा लिख देते हैं। यानी इन सभी के कंपोजिशन को देखते हुए किस टाइप से बिलोंग करता है, ऐसे स्टडी को हम लोग टैक्सोनॉमी बोलते हैं। तो ये सब हम लोग ऑलरेडी पहले, चलिए ये कम से कम न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, साइटो टैक्सोनॉमी और कीमो टैक्सोनॉमी इस चैप्टर में देखे, लेकिन मोर और लेस सारा कुछ हम लोग प्रीवियस चैप्टर में डील्स किए थे। इस चैप्टर में हम लोग पर्टिकुलरली बात करेंगे प्लांट किंगडम की, और प्लांट किंगडम को अकॉर्डिंग टू आर एच विटेकर, अकॉर्डिंग टू प्लांट किंगडम आर एच विटेकर, इन्होंने प्लांट किंगडम को फर्दर डिवाइड किया था, किसमें इन्होंने डिवाइड किया, एल्गी में इन्होंने डिवाइड किया था, ब्रायोफाइट्स में, ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा, फिर जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। अब देखिए हम लोग प्लांट्स को फर्दर पांच क्लासेस में डिवाइड कर दिए, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में डिवाइड कर दिए। बट अब क्वेश्चन यहां से नहीं आता है, क्योंकि हम लोग को फैक्ट नोन है, ये हम लोग जानते हैं। क्वेश्चन कहां, एनसीईआरटी थोड़ा सा बाहर निकला है। सबसे पहले जो साइंटिस्ट हुए इसमें कौन, जिन्होंने प्लांट को दो पार्ट में डिवाइड किया, कौन साइंटिस्ट थे? तो अकॉर्डिंग टू ऑगस्ट विल्हेल्म, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, इस पर हर साल या फिर अल्टरनेट ईयर में क्वेश्चन पूछा हुआ ही है, ये पूछा हुआ बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर डील करने जा रहा है। इसका डेट भी याद रखे, ईयर याद रखेगा 1883। तो ये जो साइंटिस्ट हुए ऑगस्ट विल्हेल्म एक्लेयर, इन 1883 दे डिवाइड प्लांट इनटू टू पार्ट्स, दे डिवाइड प्लांट्स इनटू टू पार्ट्स, कौन कौन सा? एक प्लांट के टाइप को उन्होंने बोला क्रिप्टोगैम्स, बोला क्रिप्टोगैम्स, ठीक है, और दूसरे को उन्होंने बोला फेनेरोग्राम्स, फेनेरोग्राम्स। अब देखिए दोनों का मतलब क्या होता है। क्रिप्टो, आजकल बहुत सारे टर्म सुनते होंगे, क्रिप्टो 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 मतलब क्या होता है, क्रिप्टो करेंसी आप लोग सुन रहे होंगे। क्रिप्टो का मतलब होता है हिडन, हिडन छुपा हुआ, ठीक है। और गैम्स का मतलब क्या हुआ, गैम्स का मतलब होता है मैरिज, मैरिज, ठीक है। मतलब वैसा प्लांट्स जिसमें फ्यूजन, अब यहाँ मैरिज तो होगा नहीं, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स दैट इज कॉल्ड द मैरिज। तो यहाँ पर ऐसे कुछ प्लांट्स है जिसमें मैरिज यानी फ्यूजन होता है वो पता ही नहीं चलता है, हिडन रहता है, और वैसे प्लांट्स कोई सीड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। यानी जो क्रिप्टोगैम्स है, कैसा प्लांट्स हो गया, दे डू नॉट हैव सीड्स, सीड्स नॉट नीड्स सीड्स, ठीक है। तो वैसे प्लांट्स को उन्होंने क्रिप्टोगैम्स बोला, और क्रिप्टोगैम्स के अंदर में क्या क्या आता है, तो इट इंक्लूड्स एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स,
ठीक है। अब वहीं पर जो दूसरा उन्होंने प्लांट्स किंगडम को जो क्लासिफाई किया, दूसरा नाम दिया, उसका उन्होंने क्या बोला, फेनेरोग्राम्स। तो फेनेरोग्राम्स में क्या हो गया कि अब वैसा प्लांट्स जिसके पास सीड्स रहते हों, मतलब प्लांट्स हैव सीड्स। अब इस पूरे जगत में देखें तो ऐसे दो ही टाइप के प्लांट्स हैं जिसके पास सीड्स रहते हैं। कौन कौन सा? तो एक हो गए जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, और दूसरे हो गए एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू ऑगस्ट विल्हेल्म एक्लेयर 1883 में पूरे प्लांट्स को उन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया, क्रिप्टोगैम्स एंड फेनेरोग्राम्स। क्रिप्टोगैम्स में उसको रखा जिसके पास सीड बनता ही नहीं है। तो एल्गी की बात करेंगे हम लोग, ब्रायोफाइट्स की बात करेंगे, टेरिडोफाइट्स की बात करेंगे, तो वैसे प्लांट्स इन सभी में, एल्गी, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट्स में सीड का फॉर्मेशन होता ही नहीं है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा बट सीड का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, अब फेनेरोग्राम्स की बात कर रहे हैं, तो वैसे प्लांट्स जिसके पास सीड्स है, सीड्स में दो प्लांट्स आए, कौन कौन सा? एक आ गया जिम्नोस्पर्म और एक आ गया एंजियोस्पर्म। अगर जिम्नोस्पर्म की बात करें तो जिम्नोस्पर्म एक ऐसा प्लांट्स है जिसके पास सीड्स जो रहता है वो कैसा रहता है, नेकेड सीड प्रेजेंट रहता है, नेकेड सीड इज प्रेजेंट। नेकेड सीड का मतलब क्या हुआ कि इसके सीड के चारों तरफ फ्रूट्स डेवलप नहीं रहते हैं। जैसे हम लोग जो भी फ्रूट्स खाते हैं, जैसे आप अभी मैंगो का जमाना आ गया है, मैंगो का भी सीजन है, मैंगो में क्या देखते हैं, सीड अंदर में रहता है, उसके चारों तरफ पल्प प्रेजेंट रहता है, यानी सीड इज कवर्ड बाई पल्प, दैट इज कॉल्ड द फ्रूट्स। लेकिन जिम्नोस्पर्म में क्या रहता है, इसमें सीड नेकेड ऐसे ही प्रेजेंट रहते हैं। और वहीं पर एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स क्या हो गया, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स सीड इज कवर्ड बाई फ्रूट, सीड इज कवर्ड बाई फ्रूट, इसमें फ्रूट से कवर्ड रहते हैं। ठीक है, और एक खासियत क्या है कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का एक बड़ा यूनिक फीचर है, दैट इज हैविंग ए फ्लावर, फ्लावर रहता है। जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स दिख रहा है वो सब के सब एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स है। ठीक है, तो अब यहाँ पर से हम लोग फाइनली क्या देख लिए कि एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म प्लांट्स की बात करेंगे। अब इसका सीक्वेंस याद रखिएगा, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ये इसलिए बोल रहे हैं कि ड्यूरिंग डेवलपमेंट, प्लांट डेवलपमेंट, सबसे पहले एल्गी, उसके बाद ब्रायोफाइट्स हुआ, उसके बाद टेरिडोफाइट्स, उसके बाद जिम्नोस्पर्म, और जो मोस्ट सक्सेसफुल प्लांट है दैट इज एंजियोस्पर्म, अभी हमारे लैंड के ऊपर एग्जिस्ट है, कर तो रहे हैं सभी एग्जिस्ट, लेकिन जो आपने आसपास के सराउंडिंग्स में जो देखते हैं वो मोस्ट स्टेबल प्लांट्स दैट इज मैंगोस, गुआवास, पपायास, ये सब 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 क्या है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। ठीक है, तो ये इस तरीके से बड़ा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक देख लिए। अब इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, उन्होंने थैलोफाइटा को डिवाइड, थैलोफाइटा टर्म दिया, कौन थे, तो एंगलर, एंगलर साइंटिस्ट, ENGLER, एंगलर। इन 1886 उन्होंने क्या किया, प्लांट्स को दो पार्ट में ये भी डिवाइड किए एंगलर ने, यानी एंगलर इन 1886 डिवाइडेड इनटू कौन सा, थैलोफाइटा, थैलोफाइटा, और दूसरा उन्होंने डिवाइड किया किसमें, एम्ब्रायोफाइटा, एम्ब्रायोफाइटा। ठीक है, तो अब बात करते हैं यहां थैलोफाइटा का मतलब क्या होता है, तो थैलो टर्म जो आया है, दिस कम फ्रॉम द थैलस, कम्स फ्रॉम थैलस, और थैलस का मतलब क्या होता है, थैलस का मतलब ये होता है कि वैसा प्लांट बॉडी जिसमें न लीफ प्रेजेंट हो,
ना ही रूट प्रेजेंट हो ना ही स्टेम प्रेजेंट हो, ठीक है। तो मतलब कि इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि प्लांट प्लांट बॉडी हैव थैलस लाइक स्ट्रक्चर, थैलस लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। और यहां पर क्या है, थैलोफाइटा में कभी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होगा, नो एम्ब्रियो फॉर्मेशन टेक प्लेस। एम्ब्रियो कब होगा, एम्ब्रियो हम लोग क्या जानते हैं, जैसे अगर ह्यूमंस की बात कर लेते हैं तो इसमें फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बनता है और वो जायगोट फर्दर एम्ब्रियो में डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पर किसी तरीके का एम्ब्रियो में डेवलपमेंट नहीं होगा, एम्ब्रियो बनेगा मतलब सीड का फॉर्मेशन होगा। तो इसीलिए दूसरा टाइप का उन्होंने डिस्क्राइब किया, दैट इज एम्ब्रायोफाइटा, मतलब वैसा प्लांट्स हैव एम्ब्रियो इन दियर लाइफ साइकिल, एम्ब्रियो इन दियर लाइफ साइकिल, और जब एम्ब्रियो बनेगा तो सीड का फॉर्मेशन होगा। और ये एम्ब्रियो कहाँ से डेवलप होता है, दिस एम्ब्रियो डेवलप फ्रॉम जायगोट, ठीक है, ये जायगोट से डेवलपमेंट होता है। तो चलिए, तो हम लोग क्या बात कर लिए कि एंगलर साहब ने 1886 उन्होंने प्लांट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया, थैलोफाइटा और एम्ब्रियोफाइटा। थैलोफाइटा में क्या बोले कि वैसा प्लांट बॉडी जिसके पास थैलस हो, थैलस का मतलब क्या हुआ, थैलस का मतलब बताए कि द प्लांट्स डू नॉट हैव रूट स्टेम एंड लीफ, ठीक है, रूट और स्टेम और लीफ में प्रेजेंट नहीं रहता, वैसे प्लांट्स को हम लोग थैलस बॉडी बोलते हैं। और तो थैलोफाइटा क्या इंक्लूड करता है, तो थैलोफाइटा इंक्लूड एल्गी, ये एल्गी को समेटे हुए है, इस एल्गी इसी में रहता है। लेकिन अब रिसेंटली हम लोग क्या करना शुरू कर दिए कि रिसेंटली हम लोग थैलोफाइटा को ना पढ़कर डायरेक्टली हम लोग, अब क्योंकि थैलोफाइटा में सिर्फ एल्गी ही प्रेजेंट है, तो थैलोफाइटा को हटाकर हम लोग डायरेक्टली बात क्या करते हैं, एल्गी की बात करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं क्या चीज कि एल्गी हो गया, पहला क्या है एल्गी, ठीक है। तो एल्गी में क्या है, यहाँ पर बात क्या कर रहे हैं, एल्गी जो कि सबसे प्रिमिटिव टाइप का प्लांट किंगडम में देखने को मिल रहा है, सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं तो प्रिमिटिव टाइप्स ऑफ प्लांट की बात कर रहे हैं, ठीक है। मतलब हम लोग क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर, प्रिमिटिव प्लांट्स, ठीक है। अब ये इसका अगर हैबिटेट की बात करते हैं तो दिस विल फाउंड इन वाटर बॉडीज यानी एक्वाटिक पाया जाएगा। और इसीलिए तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि हमारा जो ओरिजिन, लाइफ का ओरिजिन हुआ वो कहाँ पर हुआ है, प्लांट बॉडी में, वाटर बॉडीज में हुआ, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अच्छा ये एल्गी में और क्या रहते हैं, तो दिस एल्गी हैव यूनिसेलुलर प्लांट्स टू कुछ बहुत बड़े भी रहते हैं, यूनिसेलुलर प्लांट्स टू बिग वंस या फिर बिग साइज लिख सकते हैं, बिग साइज, ठीक है। जैसे एक केल्प प्लांट होता है, केल्प एल्गी है, उसका अगर हम लोग हाइट की देखें, साइज की बात करें तो दे आर नॉर्मली 100 meters का भी होता है, बट दे आर फाउंड इन एक्वाटिक बॉडी। एल्गी के बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ब्रायोफाइट्स की खासियत क्या है, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एल्गी वाटर बॉडीज में पाया जा रहा है, बट ब्रायोफाइट्स नाउ दे शिफ्ट फ्रॉम वाटर बॉडीज टू द डैम्प एरिया, यानी लैंड की तरफ शिफ्ट होना शुरू हुआ है,
तो ब्रायोफाइट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि दे कैन सर्वाइव इन प्लांट इन वाटर एज वेल एज लैंड। बट लैंड में कहां पर? तो नियर बाई वाटर, वाटर के आसपास में ही पाया जाएगा। क्यों? ब्रायोफाइटा को हम लोग वाटर के आसपास या डैम एरिया में हम लोग को देखने को मिलेगा, क्योंकि फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स नीड्स वाटर, यानी वाटर का रिक्वायरमेंट रहता है। और इसीलिए ये अभी लैंड के तरफ तो शिफ्ट हुआ, बट पानी से ज्यादा दूर नहीं रह सकता है, और इसीलिए इसको हम लोग क्या बोले, एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम बोले। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे यहाँ पर? अच्छा, यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं ब्रायोफाइटा में, कि लैंड के तरफ आया है, लैंड की तरफ। या आपसे क्वेश्चन अगर नीट में पूछे कि फर्स्ट लैंड प्लांट कौन है, दैट इज ब्रायोफाइट्स, और इसी पर पूछे कि फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट कौन है, दैट विल बी टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स। तो अब क्या देख रहे हैं, ये शिफ्टिंग ऑफ लाइफ की बात कर रहे हैं। एल्गी वाटर में पाया जा रहा है, वाटर में ही पाया जाएगा। ब्रायोफाइट्स थोड़े लैंड के तरफ शिफ्ट हुए, टेरिडोफाइट्स अब लैंड के तरफ ही दिखेगा, लैंड के पास आ जाएगा। यानी दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट। मतलब अब ये प्लांट्स लैंड के ऊपर आ गया। ठीक है, फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये यूनिक फीचर्स हम अभी बात कर रहे हैं सिर्फ। उसके बाद हम लोग क्या बोले, जिम्नोस्पर्म में हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि इस प्लांट्स में सीड तो बनते हैं बट फ्लावर नहीं बनते, यानी नेकेड सीड प्रेजेंट रहता है। ये अभी हम लोग डिस्कस किए, नेकेड सीड इज प्रेजेंट। और जिम्नोस्पर्म के मोस्ट ऑफ द स्पेसिस विलुप्त हो चुके हैं, और जो कुछ पाए जा रहे हैं वो लिविंग फॉसिल के तरह पाए जाएंगे। आपके घरों में क्या प्रेजेंट होगा, साइकस प्लांट प्रेजेंट होगा, गमलों में रखे हुए होंगे, दैट इज जिम्नोस्पर्म। ठीक है, और लास्ट का हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, वो जो हम लोग अपने आसपास घरों के आसपास देखते हैं, दैट इज कॉल्ड द एंजियोस्पर्म, यानी मोस्ट सक्सेसफुल प्लांट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। इतना में किन्हीं को दिक्कत?